हेलो बच्चों, जैसा पिछले वीडियो में हमने किया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में पढ़ रहे थे, उसके अभियानों के बारे में पढ़ रहे थे। और उसी जलालुद्दीन खलजी के, फिरोज शाह खलजी के ही समय में अलाउद्दीन ने सैनिक अभियान किया था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1292 ईस्वी के बाद सुल्तान ने कोई सैनिक अभियान नहीं किया, परंतु उसके भतीजे अलाउद्दीन के साहसिक अभियानों से नई आशाएं जाग उठी। 1292 ईस्वी में उसने सुल्तान की अनुमति से भिलसा के समृद्ध नगर पर आक्रमण किया और अपार धन संपत्ति प्राप्त की। सुल्तान को प्रसन्न करने की दृष्टि से वह लूट का कुछ हिस्सा लेकर दिल्ली जा पहुंचा। सुल्तान अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने अलाउद्दीन को आवरज़े मुमालिक का पद प्रदान किया और कड़ा की सूबेदारी से अवध का सूबा भी सम्मिलित कर दिया। अलाउद्दीन अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके साथियों और अमीरों ने उसके महत्वाकांक्षा को सुल्तान बनने की अग्नि प्रज्वलित कर दी, परंतु इसके लिए एक विशाल सेना की जरूरत थी और सेना खड़ी करने के लिए धन की आवश्यकता थी। भिलसा अभियान के समय उसने दक्षिण में स्थित देवगिरी की अपार समृद्धि का हाल सुना था, अतः उसने देवगिरी पर अचानक आक्रमण करने की योजना बनाई। चूंकि उसे विश्वास था कि इस अभियान के लिए सुल्तान से स्वीकृति नहीं मिलेगी, अतः संपूर्ण योजना को गोपनीय रखा गया। सुल्तान से चंदेरी के हिंदू शासक का दमन करने के लिए नए सैनिक भर्ती करने तथा कड़ा और अवध का कर कुछ विलंब से चुकाने की अनुमति मांगी, जो उसे मिल गई। इस बीच उसने अपने गुप्तचरों से देवगिरी के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली। कड़ा और अवध की शासन व्यवस्था अपने विश्वस्त सेवक अल्लाह उल मुल्क को सौंपकर 8,000 घुड़सवारों के साथ उसने देवगिरी के लिए कूच कर दिया और तेजी के साथ रास्ता तय करते हुए एलिचपुर जा पहुंचा, जो मराठा राज्य के सीमांत पर बसा हुआ था। यहाँ उसने अपने सैनिकों को 2 दिन का विश्राम दिया और यह प्रचार भी करवा दिया कि अपने चाचा के रुष्ट होकर राजमहेंद्री के शासक के यहाँ नौकरी के लिए जा रहा है। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को जब अलाउद्दीन के आकस्मिक आक्रमण की सूचना मिली तो वह घबरा गया, क्योंकि राज्य की मुख्य सेना उसके बड़े लड़के के साथ दक्षिण की ओर गई हुई थी। अतः उसने दुर्ग के भीतर रहकर अलाउद्दीन का सामना करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन शीघ्र ही नगर में आ घुसा और लूटमार से नगर में आता दिनों तक तो सामना किया, परंतु स्थिति को प्रतिकूल मानकर समझौते की बातचीत शुरू कर दी। अलाउद्दीन ने पर्याप्त धन मिल जाने के बाद वापस लौट जाने का वचन दिया। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन की मांग के अनुसार उसे धन दे दिया और अलाउद्दीन ने भी वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। तभी अचानक रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव सेना सहित लौट आया और उसने अलाउद्दीन को धन वापस कर चुपचाप लौट जाने की धमकी दी। अलाउद्दीन ने दुर्ग की नाकेबंदी के लिए 1,000 घुड़सवारों को छोड़कर शेष सेना के साथ शंकर देव की सेना पर आक्रमण कर दिया। मराठा सेना ने खलजी सेना को हरा कर छिन भिन कर दिया, परंतु तभी नुसरत खान ने खतरे को भांपते हुए दुर्ग की घेराबंदी उठाकर अपने 1,000 घुड़सवारों के साथ युद्ध में प्रवेश किया। मराठों ने अलाउद्दीन की अफवाह को सत्य मानकर यह समझ लिया कि दिल्ली की मुख्य सेना आ पहुंची है और वे घबरा कर मैदान से भाग खड़े हुए। इस प्रकार अलाउद्दीन हारी हुई बाजी जीत गया। अब उसने दुर्ग की मजबूत नाकेबंदी कर दी। दुर्भाग्यवश दुर्ग में रसद की भारी कमी पैदा हो गई। परिणाम स्वरूप रामचंद्र देव को पुनः संधि के लिए विवश होना पड़ा और अलाउद्दीन ने इस बार पहले से भी अधिक धन की मांग रखी तथा एलिचपुर क्षेत्र की वार्षिक आय प्रतिवर्ष दिल्ली भेजने की शर्त रखी। राजा को सभी शर्तें माननी पड़ी। अलाउद्दीन इस अभियान से कितनी धन संपदा ले गया, इसका लेखा जोखा करना संभव नहीं, परंतु यह अभियान उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना रहेगी। अभियान से प्राप्त धन ने वे सब साधन जुटा लिए जो सुल्तान पद की प्राप्ति के लिए जरूरी थे। उसकी शानदार सफलता ने उसे एक सफल विजेता और निपुण सेना नायक सिद्ध कर दिया। कड़ा के से सैकड़ों मील दूर अनजान रास्तों से होकर देवगिरी पर विजय प्राप्त करना, उसकी सैनिक प्रतिभा का और संपूर्ण योजना को गोपनीयता के साथ अमल में लाना उसकी चालाकी का सबूत था और आगे की घटनाओं ने उसकी धूर्तता को भी उजागर कर दिया। फिर अब हम बात करते हैं बच्चों सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या। अब उसकी हत्या कैसे हुई,
देवगिरी की अपार धन संपदा के साथ अलाउद्दीन ने तेजी के साथ कड़ा का मार्ग पकड़ा। उस समय सुल्तान ग्वालियर में ठहरा हुआ था और यहीं पर पहली बार उसे जानकारी मिली कि अलाउद्दीन ने उससे पूछे बिना अब तक क्या किया और कितनी संपदा के साथ वापस लौट रहा है। मलिक अहमद शाह ने सुल्तान को यह उन्मत्त बना देता है और अलाउद्दीन पुराने विद्रोही अमीरों से घिरा हुआ है, अतः आपको आगे बढ़कर रास्ते में ही उसे रोककर धन संपत्ति पर अधिकार कर लेना चाहिए। परंतु सुल्तान ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और दिल्ली वापस लौट गया। अलाउद्दीन को शाही दरबार में उपस्थित अपने भाई अलमास बेग से दरबार की सारी सूचनाएं मिलती रही। उसने सुल्तान को भुलावे में रखने के लिए देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए क्षमा मांगी और क्षमा मिलते ही संपूर्ण संपत्ति सहित दिल्ली आकर सुल्तान की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया। सुल्तान ने इस बार भी अलाउद्दीन का विश्वास कर लिया और अलाउद्दीन ने कुशलतापूर्वक कड़ा माणिकपुर पहुँच गया। इसके बाद उसने अत्यधिक कुशलतापूर्वक तैयार की गई योजनानुसार सुल्तान को कड़ा आने के लिए राजी कर लिया। सुल्तान ने सेना सहित कड़ा के लिए प्रस्थान किया, परंतु अलाउद्दीन ने कुचक्र रचकर शाही सेना को गंगा के दूसरे किनारे रख दिया और सुल्तान को कुछ निशस्त्र अमीरों के साथ गंगा के इस पार लाया गया, जहां अलाउद्दीन अपनी सेना सहित उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। सुल्तान की नाव किनारे पर पहुंचने पर अलाउद्दीन ने नाव पर जाकर सुल्तान से क्षमा याचना मांगी। सुल्तान ने उसे गले लगाकर माफ़ कर दिया। इसके बाद जब सुल्तान नाव से उतरने के लिए आगे बढ़ा, तभी अलाउद्दीन के संकेत पर सुल्तान पर घातक प्रहार किया गया। सुल्तान ने अलाउद्दीन को कोसते हुए भागने का प्रयास किया, परंतु उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया गया। मलिक फखरुद्दीन के अलावा नाव में सवार सुल्तान के अन्य सभी अमीरों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद शाही सेना पर आक्रमण करके उसे खदेड़ दिया गया। अहमद चप शेष सेना के साथ दिल्ली पहुंचने में सफल रहा। 20 जुलाई 1296 ईस्वी के दिन अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। का 20 जुलाई 1296 एडी के दिन अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। मृत सुल्तान के कटे हुए सिर को, जिसमें से रक्त टपक रहा था, एक भाले पर टांग कर इधर उधर घुमाया गया। अब मूल्यांकन करें इस स्थिति की, तो अधिकांश इतिहासकारों ने जलालुद्दीन के गुणों की सराहना की है। वह पहला शासक था जिसने उदारता को शासन की आधारशिला बनाने का प्रयास किया। वह एक सफल सेनानायक और पराक्रमी सैनिक था और अनेक युद्धों में विजयी रहा था। परंतु सुल्तान बनने के बाद वह रक्तपात का पक्षपाती नहीं रहा, परंतु उसने अपनी सुरक्षा की उपेक्षा करके घातक भूल की। बहुत से इतिहासकारों ने उसको दुर्बल और धर्मभीरु बतलाते हुए उसके वध को दिल्ली सल्तनत के लिए उपयोगी बताया है। डॉक्टर लाल का मत है कि ऐसा अकुशल शासक निश्चय दिल्ली के सिंहासन के अयोग्य था। उस समय की परिस्थिति के अनुसार तो वह अयोग्य था। अब बच्चों अलाउद्दीन खिलजी पर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हर कोई बच्चा जानता है उसका नाम, और जिसका टाइम पीरियड था 1296 से 1316 AD, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।